हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपठित बोध, ये टॉपिक कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों के ही व्याकरण में आता है। अपठित बोध में हमें सबसे पहली चीज ये देखना है कि अपठित बोध, तो अपठित का मतलब जो आपने पहले नहीं पढ़ा, मतलब ऐसा अनुच्छेद या ऐसी कविता जो चीज आपने आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ी है, उसके अलावा कहीं और से आपको कुछ कविता या अनुच्छेद दिया जाता है जिसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए। तो अपठित बोध के दो भाग होते हैं, एक होता है काव्यांश या पद्यांश जिसे कहते हैं, दूसरा होता है गद्यांश। हम बात करेंगे पहले काव्यांश पद्यांश। तो काव्यांश पद्यांश में क्या होता है, आपकी पाठ्य पुस्तक के अलावा कहीं और से आपको कविता की कुछ पंक्तियां दी जाती है, काव्य कुछ पंक्तियां दी जाती है, उन पंक्तियों को पढ़कर आपको उसके नीचे कम से कम 5 प्रश्न दिए जाते हैं, अधिक इनकी संख्या आपके जो परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसके प्रारूप के अनुसार निश्चित की जाती है। तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको उन काव्य की पंक्तियों को पढ़कर उनमें से देना होगा। तो उसे प्रश्न कैसे आते हैं, इनमें प्रश्न सामान्य आते हैं, तो जैसे कि उसमें कुछ बात लिखी है तो वो क्या लिखी है, कौन किसे क्या कह रहा है, क्या बात हो रही है उसमें, या कभी कभी कोई एक लाइन का भाव पूछ लेते हैं आपसे, इस प्रकार के प्रश्न से पूछे जाते हैं। कभी कभी कोई प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है जिससे कि उस शब्द का कुछ विशेष अर्थ बताते हुए किसी और रूप में उसको दिखाते हुए या किसी और रूप में उसको परिवर्तित करते हुए, जैसे कि वो शब्द का विलोम बनाने हैं आपको या उसका पर्यायवाची लिखना है आपको, ऐसा कभी कभी आ सकता है। सबसे पहले हम काव्यांश को हल कैसे करें, हमको सबसे पहले काव्यांश को बड़े ध्यान से पहले पढ़ना है, पढ़ने पर हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है, उसके बाद हमें नीचे लिखे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, प्रश्नों को पढ़ने के पश्चात हमें फिर से काव्यांश को पढ़ना है और जिन जिन प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते जाए हमें उन्हें निशान करके टिक कर देना। बाद में जो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, हमें भले ही पूरी कविता का अर्थ समझ में ना आए लेकिन उसका भाव भी अगर हमने समझ लिया तो हम उन प्रश्नों के उत्तर पा लेंगे। इस प्रकार से बड़ी आसानी से हम काव्यांश के प्रश्न के उत्तर हल कर लेते हैं। इस प्रकार से आपके प्रश्न में काव्यांश लिखने को आता है, जो कि अपठित काव्यांश होता है उसके प्रश्न के उत्तर आपको देना होता है। दूसरा होता है गद्यांश। गद्यांश जो होता है इसमें आपको एक अनुच्छेद के रूप में एक पैराग्राफ जैसा दिया होता है, उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए होते हैं जिनके के उत्तर आपको लिखना होता है। अब उसके उत्तर देने के लिए सबसे पहली चीज ये, वो अनुच्छेद भी आपके पाठ्य पुस्तक का नहीं होता, कहीं और से लिया गया होता है, आपने इससे पूर्व इसको नहीं पढ़ा होता, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं घर में, उसमें सब जानकारियाँ पढ़ते हैं आप, इसी प्रकार से कोई नई चीज़ आपके सामने नया अनुच्छेद आता है। अब सबसे पहले हम देखें उसे प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। प्रश्न इसलिए आते हैं कि बोध संबंधी आते हैं, बोध में मतलब कि उस अनुच्छेद में जो बात कही गई है उससे आप क्या समझते हैं, आपको किस बात का बोध होता है। दूसरे आते हैं प्रयोग संबंधी। प्रयोग संबंधी प्रश्नों में ये बताया जाता है कि उसमें अगर किसी शब्द का किसी वाक्य का कुछ प्रयोग किया गया है तो उसको किस प्रकार से किया गया। और प्रयोग में आपको एक चीज़ और ये भी करनी होती है कि उसमें अगर कोई शब्द वाक्य कुछ दिया है तो उसको आपको किसी और प्रकार से प्रयोग करने का निर्देश दिया जा सकता है। रचनाकरण संबंधी मतलब जो कि रचना में आपको कुछ शब्द दिए, जो कुछ वाक्य दिए होंगे, कुछ शब्द दिए होंगे, तो उनमें या तो उनका विलोम पर्यायवाची लिखने को आ जाएगा या फिर आपको उसको वाक्य को परिवर्तित करने को आ जाएगा कि इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करिए या इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करिए, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। और या तो फिर आपको शीर्षक संबंधी कि इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको आते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें उस गद्यांश को बड़े ही ध्यान से सावधानीपूर्वक पढ़ना है, उसके पश्चात नीचे के प्रश्नों को पढ़ना है और फिर जिन जिन प्रश्नों के उत्तर मिले उन्हें टिक करके अंडरलाइन करना है, उसके पश्चात अगर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो वह पुनः हमें उस अनुच्छेद को पढ़ना है जिससे कि हमें प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि प्रश्न अनुच्छेद के बाहर से नहीं होते, अनुच्छेद के अंदर से ही होते हैं जिन्हें आप आसानी से हल कर सकते हो। और जैसे वाक्य को संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य वगैरह बदलने को आ जाता है तो ये आपका जो दूसरा सामान्य व्याकरण ज्ञान है उसके आधार पर हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और अब आने वाले भविष्य में आप काव्यांश और गद्यांश के जो भी प्रश्न आएंगे अपठित बोध के
आसानी से कर सकेंगे। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।